हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माइंड। तो दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूरिक सोलो मेकर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो जो है, इस वीडियो में बात करूंगा रेबिट सॉफ्टवेयर के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप रेबिट के अंदर ब्लॉक्स कैसे बनाते हो प्लस ब्लॉक कैसे लेके आ सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटोकैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए, थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। कभी भी रेबिट के किसी भी इंटरव्यू में जाना, वहां पर आपको एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, टाइप्स ऑफ ब्लॉक बोल देंगे या फिर बोल देंगे प्रॉपर्टीज, सॉरी, या फिर आपसे बोल देंगे कि पैरामेट्रिक ब्लॉक और नॉन पैरामेट्रिक ब्लॉक के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मतलब कुल मिला के रेबिट फैमिली मतलब .RFA से क्वेश्चन पूछना फिक्स है। तो भाई, आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे आप दोगे, क्या उसका आंसर करोगे? तो रैपिड में जब आपसे बोला जाए कि नॉन पैरामेट्रिक फैमिली क्या होता है, तो नॉन पैरामेट्रिक का मतलब होता है कोई भी टूल बना दिया बिना किसी ऑब्जेक्ट्स के, मतलब बिना किसी डायमेंशन के कि 6 फीट इसका ये लेंथ चाहिए था, वेट चाहिए था 4 फीट, कोई बेड बना रहे हो या फिर कोई फुटिंग बना रहे हो कि 2x2 का चाहिए था, ऐसा कोई भी साइज ना दो, सिर्फ और सिर्फ ऐसे आप एक्सट्रूजन करके और उस पर जो भी आपका कमांड यूजफुल कमांड लगे हुए वो लगा के सेप तैयार कर दो, तो उसको बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक। इन फ्यूचर, अभी मान लो अभी तो आपने काम कर लिया, इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको उन फैमिलीज को यूज करना है कहीं पर भी, तो वो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसकी डायमेंशन एडिट नहीं कर सकते। तो जरूरी थोड़ी है कि हर जगह वही डायमेंशन लगे। बट अगर आपने नॉन पैरामेट्रिक के जगह पे पैरामेट्रिक फैमिली बना दिया, क्या बना दिया? पैरामेट्रिक। अब उसको एक बार बना के सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद लाइफ टाइम जब भी आपका मन करे सिर्फ और सिर्फ उसके प्रॉपर्टी बॉक्स पे जाइए, 3 फीट 2 फीट जो डालेंगे ऑटोमेटिक एडिट होगा। मैंने पैरामेट्रिक फैमिली नॉन पैरामेट्रिक फैमिली में ऐप पर भी कोर्स लॉन्च किया है पूरे रेबिट का, प्लस वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी पूरे के पूरे वीडियो बताए हुए हैं, तो आप देख लो पैरामेट्रिक फैमिली कैसे बनाए जाते हैं। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पैरामेट्रिक फैमिली को बनाने की, क्योंकि जिस भी इंटरव्यू में जाओगे अगर वो बीम से रिलेटेड करियर है, मतलब बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग से रिलेटेड है, तो रेबिट फैमिली जरूर पूछेंगे भाई। क्यों? क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के आप कोई भी कैसे कुछ भी बनाओगे, तो बिना ऑब्जेक्ट के कैसे घर बनाए, उसमें अच्छा अच्छा एक्सटीरियर डिजाइनिंग हुई है भाई, जब तक आपको फैमिली का पता नहीं रहेगा उसमें एक्सटीरियर डिजाइनिंग कैसे करोगे? ठीक है, कोई भी टूल बना रहे हो, उस टूल को सपोज आप MEP में काम कर रहे हो, ब्लेड्स बनानी है जो आप लोग वेंटिलेशन वगैरह यूज करते हो, कैसे बनाओगे जब तक आपको पैरामेट्रिक फैमिली के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा? तो इसकी कैलकुलेशन होती है, मतलब इसके अंदर जाओगे, तो मैंने बताया हुआ बच्चों को इसे, तो इसके अंदर जाओगे तो इसको जैसे कि आपको विड्थ कितना चाहिए 2 चाहिए और लेंथ कितना चाहिए 2×2=4, मतलब 4 चाहिए आपको लेंथ और विड्थ चाहिए 2, तो विड्थ इंटू 2 कर दोगे तो फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, अपने आप वहां पर मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें अभी तो करके दिखाना पड़ेगा, बट मैंने बताया हुआ है यूट्यूब पे, तो आप उसको देख लीजिए कि पैरामेट्रिक फैमिली कैसे बनाते हैं। दूसरा, फैमिली से रिलेटेड पूछते हैं कि अगर आपको सपोज कोई बहुत टफ टूल दे दिया कि ये चीज बनाओ पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक से, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप rabbitcity.com एक वेबसाइट है, बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, उससे जाके एक ढेर सारे डाउनलोड्स कर सकते हो, वहां पर आईडी बनाओ, आईडी बनाने के बाद आप वहां से जो भी कंपोनेंट चाहिए, बेड चाहिए, फुटिंग चाहिए, डोर चाहिए, विंडो चाहिए, जो चाहिए एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। और अगर आप उससे भी बेहतरीन ब्लॉक, मतलब हाई स्टैंडर्ड्स का ब्लॉक चाहिए आपको, तो फिर आप चले जाओ दूसरी साइड है beamobject.com। वैसे तो बहुत से हैं, बट ये दोनों में मैक्सिमम कंपोनेंट फ्री मिल जाते हैं। beamobject.com पे जाओगे तो आपको वहां पर आराम से अच्छे अच्छे टूल्स मिल जाएंगे। अच्छी बात ये है कि beamobject.com पे वही कंपोनेंट ऐसे मिल जाएंगे कि आप रेबिट पे चलाओ, स्केचअप पे चलाओ, 3ds Max पे चलाओ, हर जगह के लिए अलग अलग डाउनलोड्स कर सकते हो। तो बीम ऑब्जेक्ट प्लस रेबिट सिटी, ये दोनों बहुत हेल्प कर सकते हैं, प्लस पैरामेट्रिक आपको बनाना भी आना चाहिए, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। मतलब कुल मिला के फैमिलीज के रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कंपोनेंट दिया जाता है बनाने को। मैं एक गया था इंटरव्यू में, तो वहां पर मुझे दे दिया था पाइल फुटिंग, बट उसमें एक समस्या कर दिया था, उसमें बीच में गैपिंग प्रोवाइड कर दिया था, पाइलिंग के बीच में होल्स प्रोवाइड कर दिया था, मुझे एक सेक्शन दिया, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है ये, तो मैंने बनाया, बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई, जो सेक्शन में जो कट था, मैंने कहा यार फुटिंग में, मतलब जो पाइल फुटिंग है उसमें कट क्यों करेंगे, तो मेरा लॉजिक समझ नहीं आया मुझे, तो मैंने नहीं बना पाया था, बट 20 में से 16 नंबर मिल गए थे, पास हो गया था।
तो याद रखना रेविट फैमिली से जरूर क्वेश्चन पूछेंगे और कैसे डाउनलोड करना है ये देख लिया आपने। प्लस कभी कभी क्या होता है कि उसको जब आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट करता है कि सब आप कंपोनेंट्स आर नॉट सपोर्टेड, तो आप उनको ट्रेस कर लो। कैसे ट्रेस करना है, जस्ट आपने मटेरियल को सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके खींच लो और डायरेक्ट प्रॉपर्टी बॉक्स पे ला दो। जैसे प्रॉपर्टी बॉक्स पे लाओगे वो इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शन पूछेगा और इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शन पूछा तो बस फटाफट उसको इंपोर्ट कर दो। मतलब कुल मिला के आपके साथ मैक्सिमम फैमिलीज आ जाएंगी। हाँ ये याद रखो कि अगर 2016 में बना है और 2014 में आप इंपोर्ट कर रहे हो तो नहीं होगा। अगर 2025 आया ही नहीं, 2021 में बना है और अगर आपने 2020 वाले वर्जन में बनाया इंपोर्ट किया तो नहीं होगा। हमेशा लोअर वर्जन या फिर सेम वर्जन में बनाया है तभी उसको इंपोर्ट कर सकते हो। सो गाइस रैबिट फैमिली और दूसरा मैं हमेशा फोकस करता हूँ रैबिट एस्टिमेशन, ये दोनों एक तरीके से गिफ्ट है ऑटोडेस्क की तरफ से। रैबिट एस्टिमेशन के अंदर मैंने 4 वीडियो बनाए हुए हैं, आप कंप्लीट वॉच कर लो सब समझ में आ जाएगा चारों वीडियो में। नहीं मिल रहे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, मैं लिंक दे दे रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि एस्टिमेट कैसे करेंगे, ब्रिक का साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी ब्रिक्स लगेंगे, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, इवन पेंट तक आप निकाल सकते हो रैबिट एस्टिमेशन के थ्रू। पेंट, डोर, विंडो, विंडो के अंदर जो ग्लासेस लगे हैं, विंडो के नंबर्स, डोर के नंबर्स, सब कुछ आप वहां से निकाल सकते हो। तो मतलब रैबिट एस्टिमेशन और रैबिट का आपका फैमिली, ये दोनों ही मिलके तो टक्कर देते हैं 3ds Max को और SketchUp को। जो काम इसमें कर सकते हो उस लेवल का काम उसमें नहीं कर सकते हो। इसमें एक्यूरेसी बहुत बहुत मायने रखती है रैबिट के अंदर। और अभी तो रैबिट धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऑटोकैड का मैक्सिमम काम रैबिट के अंदर ही हो जा रहा है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेशन अगर मिली है तो इसको मित्रों के साथ साझा करो जिससे कि और इन्फॉर्मेशन देने का मेरा और ज्यादा जज्बा बढ़े। जय हिंद, जय भारत।